लाइट भी तो देखो ना साला। मैप के थ्रू आने का नतीजा, मैप अपनी जगह ठीक है, हम देखते हैं शॉर्टकट रास्ते क्या होता है। जब हमको लंबा रास्ता कोई दिखाता है तो हम देखते हैं कि शॉर्ट रास्ते में दिखा डाल देगा कि यहाँ पे किलोमीटर कम हो रहे हैं। सिर्फ किलोमीटर कम करने के चक्कर में हम घुस जाते हैं ऐसी जगहों पे, जैसे मैं आज फंस गया हूँ। तो भाई आज मैं फंस गया बहुत तगड़ा जाम में। मैप के थ्रू आने का नतीजा, रास्ता तो दिखाया लेकिन ट्रैफिक वाला रास्ता दिखा दिया एकदम, तो गंदा वाला ट्रैफिक जो है वो मिल गया है, बाजार मिल गया है हमें रास्ते में। तो मेरे कैमरा लगाया नहीं था मैंने, बट जब ट्रैफिक मिला है तो मैंने कैमरा लगाया है, इसलिए कि कैमरे को देखने से बंदे साइड हो जाते हैं, ये फ़ायदा है बस। तो भाई कितना लंबा जाम है ये आगे तक, अभी मैं इतना आगे पहुंच चुका हूँ, अभी भी जाम जाम पूरे में जाम ही है। बस ये है, हम जैसे मैं रॉन्ग साइड हूँ, बता दूँ आपको, रॉन्ग साइड चल रहा हूँ अभी मैं, तब मुझे थोड़ा रास्ता जो है वो मिल रहा है चलने के लिए। अदरवाइज आगे की साइड में क्या है कि पूरा बंद हो चुका है, तो यहाँ से निकल जाएंगे। तो मैप अपनी जगह ठीक है, हम देखते हैं शॉर्टकट रास्ते क्या होता है। जब हमको लंबा रास्ता कोई दिखाता है तो हम देखते हैं कि शॉर्ट रास्ते में दिखा डाल देगा कि यहाँ पे किलोमीटर कम हो रहा है। ये नहीं पता हमको कि ट्रैफिक कितना हो रहा है। सिर्फ किलोमीटर कम करने के चक्कर में हम घुस जाते हैं ऐसी जगहों पे, जैसे मैं आज फंस गया हूँ, और पता नहीं कितना ट्रैफिक मिलने वाला है आगे। तो भाई जो चल रहे हैं बंदे उनको हॉर्न से तो कोई फर्क पड़ रहा नहीं है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, लोगों को बाहर की आवाज़ें आ रही है हॉर्न से भी ज़्यादा। ओ भाई, तो रिक्शे वाले भैया थोड़ा सा आराम से निकाल लेना ताकि हम भी निकल जाएं। ओ भाई यहाँ तो और ज़्यादा मिलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ट्रैफिक, ऐसा लग रहा है मेरे को। पर मेरे को दिखा रहा है कि ये थोड़ा बहुत दूर का ट्रैफिक है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो सिर्फ थोड़ी बहुत देर में हम पहुंच जाने वाले हैं। तो अभी क्या है कि स्पीड में भी नहीं चला सकते, किसी की गाड़ी लग गई तो लड़ाई भी हो जाएगी, इसलिए भाई थोड़ा आराम से चल रहे हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट सेफ निकलना है, किसी के लगनी नहीं चाहिए। हटना भाई, हटो हटो हटो। ओ भाई चलो, कुछ तो मुझे लग रहा है कि रास्ता ख़त्म हो गया है, ये जो भीड़ वाला रास्ता था ये ख़त्म हो चुका है मुझे लग रहा है, लेकिन इधर देखो रास्ता पूरा बंद किया हुआ है। तो अभी जल्दी जल्दी से निकलना है बस यहाँ से। चलो चलो चलो। तो यहाँ से सीधा निकालना है सामने, तो यहाँ से रास्ता दिख रहा नहीं है सही से, लेकिन यहीं से निकालना पड़ेगा। तो भाई ने घुसेड़ दी गाड़ी, इनकी वजह से हम भी घुस जाएंगे। तो भाई
मिल गया है रास्ता। तो इधर भाई रिक्शों की भीड़ है बहुत ज़्यादा, मार्केट से बाहर लोग रिक्शा पकड़ते हैं, वहाँ पे रिक्शा स्टैंड टाइप का है ये, तो इस वजह से यहाँ पे ट्रैफिक है इतना ज़्यादा। तो भाई यहाँ से तो मुझे रास्ता ही समझ नहीं आ रहा कि किधर की साइड रास्ता है और किधर की साइड जाना है। तो निकलते हैं सीधा, गाड़ी में पेट्रोल भी कम लग रहा है तो पेट्रोल भी डलवा लेंगे भाई। अभी क्या है कि रिक्शों के पीछे चलना पड़ेगा, रिक्शों के पीछे पीछे चल के ही निकल पाएंगे आगे। चलो अंकल। अरे यार तो ठोक दी अंकल ने। ओ भाई बस में से कितनी ज़्यादा गर्म हवा निकल रही है, इसका इंजन इतना करीब और निकलती हुई हवा बहुत गर्म वाली। अरे अंकल जल्दी जगह दे दो, जल जाऊँगा। ओ भाई कितना ज़्यादा गर्म है यहाँ, पूरी गाड़ी जो है वो गर्म हुई पड़ी है। अंकल बस थोड़ा सा मुझे रास्ता दे दो तो मैं निकल जाऊँगा, ये मुझे रास्ता ही नहीं दे रहे हैं थोड़ा सा भी। हॉर्न बजाए पड़े हैं फिर भी समझ आ रहा नहीं है किसी को। अंकल यहीं खड़े हुए हैं, तो यहीं घुसेड़ना पड़ेगा। तो भाई लोग गलत रास्ते पे चलने लग जाते हैं ना, इस वजह से ट्रैफिक जो है वो कंट्रोल में नहीं आता फिर। अरे ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल, तो भाई कभी भी आप मैप लगा के अगर चल रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि कम टाइम वाला रास्ता शॉर्टकट वगैरह लेने से थोड़ा सा बचिए, थोड़ा लंबा रास्ता ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप थोड़ा लंबा रास्ता ले लोगे तो कम टाइम लगेगा, अदरवाइज़ अगर आप शॉर्टकट रास्ते से जाना चाहते हो तो कभी कभी आप फंस भी सकते हो बहुत गंदे वाला, जैसे कि आज मैं फंस गया। मुझे करीबन पूरा एक घंटा लगा है यहाँ से निकलने में, वो तो मैंने वीडियो जो बनाई है वो सिर्फ थोड़े से ट्रैफिक की बना पाई है, बाकी मेरे को हाथ इधर उधर करने का भी जगह नहीं मिल रही थी, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था भाई। तो ये जो ट्रैफिक था वो सदर बाज़ार का था, सदर बाज़ार में इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया। और मैं मेन चीज़ यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप कभी भी सदर बाज़ार वगैरह आई अगर मार्केटिंग करने तो कभी भी गाड़ी से मत आइए, हो सके तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल से आइए। तो गाड़ी से अगर आप आओगे आपको पहली चीज़ गाड़ी खड़ी करने की कहीं जगह मिलने वाली है नहीं, और दूसरी चीज़ वहाँ पर आप गाड़ी ले जाकर फंसा दोगे एक बार तो निकलने में करीबन आपको एक से दो घंटा लग जाएगा पूरा, उससे भी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि वहाँ पर लोग ऐसे भी हैं जो बहुत देर से ट्रैफिक में जो कंटिन्यू खड़े हुए हैं। तो मेरा क्या था कि मेरे पास बाइक है वो आराम से निकल गई, लेकिन अगर बड़ी गाड़ी होती तो वहाँ पर ही खड़े रहना पड़ता। तो थोड़ा ध्यान रखिए कभी सदर बाज़ार आएँ तो अवॉइड करें कि गाड़ी ना लाएं, जितना हो सके पैदल आने की कोशिश करें। आसपास में अगर आपको कोई गाड़ी वगैरह रिक्शा रिक्शे से बस वगैरह से आ सकते हैं, लेकिन टू व्हीलर या फोर व्हीलर से बिल्कुल आने का सोचो मत। निकलूँ मैं आगे, एक सेकंड था जब निकला हूँ मैं, ये नहीं देख रहा रेड लाइट वहाँ लगी हुई है, तो ये रेड लाइट भी तो देखो ना।
साला तो बिल्कुल पागल ही है, मतलब रिक्शे वाला। मैंने रेड लाइट पे गाड़ी जो है उसकी रेड लाइट हो चुकी थी जब मैंने गाड़ी आगे निकाली है, और मेरे को ही बोल रहा है उल्टा कि रेड लाइट में घुसेड दी तूने। तो ऐसे ऐसे बंदे आपको मिलेंगे भाई, ऐसे बंदों से थोड़ा सा सावधान रहें। कोई बात नहीं, अगर आपकी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है तो मेरी तरह आराम से जो है निकल जाएं। इन लोगों के चक्कर में टाइम जो है वो ख़राब होता है हमेशा, और अपना टाइम कभी ख़राब मत करो भाई, बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। तो अभी मूड ख़राब कर दिया उन्होंने मेरा। आराम से मैं सीधा निकल रहा था, वो घुसेड़े जा रहे मेरे पैर के पास, उसने टच कर दिया अपनी गाड़ी का टायर। तो मैंने उनको बोला कि आप रेड लाइट नहीं देख रहे हो क्या? बोल रहे हैं मेरे को येलो लाइट थी, बोल रहा है येलो लाइट थी मैं इसलिए निकल रहा था। तो यूँ के बोल रहे हैं कि तुम्हारी येलो लाइट पे तो निकल सकते हैं, मतलब लड़ रहा है मेरे से यार, बोल रहा है मेरे को खुद देखो ना तुम। यार ऐसे ऐसे बंदे मिल जाते हैं।